आज दादरी विधानसभा के गांव सिद्धिपुर में माननीय नवाब सिंह नागर को उत्तर प्रदेश सरकार में दोबारा राज्य मंत्री बनने की खुशी में भव्य स्वागत किया गया। यहाँ पर बीजेपी के मंत्री जी नागर जी आए हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे गांव में किस तरीके विकास करेंगे। यहाँ पर भाई संजीव जी ने उन्होंने अध्यक्षता के रूप में बुलाया है। हम मंत्री जी से बात करेंगे कि गांव में विकास के लिए उन्होंने क्या क्या सोचा है। जी मंत्री, देखिए जो ये आज का सिद्धिपुर गांव में कार्यक्रम है, ये विशेष रूप से जो संजीव तोमर जी की युवा टीम है, इन्होंने हमारा जो ये जिम्मेदारी दो ढाई महीने पहले मिली थी उत्तर प्रदेश बंधक किसान संस्थान के अध्यक्ष की, उस नाते से हमारा स्वागत करने के लिए, हमारा सम्मान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संजीव जी, मैं आपने ऐसा क्या देखा कि आपने जिम्मेदारी संजीव जी को ही दी? संजीव जी हमारे बहुत युवा साथी हैं, कर्मठ हैं, मेहनती हैं, व्यवहारिक हैं, इस नाते से अच्छा ये काम अपना युवाओं में करते हैं, तो इसलिए विशेष रूप से उन्होंने युवाओं ने यहाँ। आपको लगता है कि संजीव जी जिम्मेदारी को अच्छे से ढंग से निभाएंगे अपने को? जिम्मेदारी तो भैया वो पहले से ही निभा ही रहे हैं, जिम्मेदारी तो पहले से ही हमारे साथ काम कर रहे हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है, वैसे पहले से हमेशा हमारे साथ हमेशा काम करते रहे हैं, तो आगे भी करेंगे। निश्चित रूप से मेहनती हैं, व्यवहारिक हैं, कर्मठ हैं, वासियों ने अच्छे से स्वागत किया। यहाँ पर कुछ कर्म का शायरी भी सुनाई कृषि मंत्री का अच्छा लगा। नोएडा से पवन लंबटा, भाई मनोज तोमर के साथ संजीव से बात करूंगा। उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभाएंगे? मैं उनसे बात करता हूँ किस तरीके से वो आगे अपने काम को लेकर के चलेंगे। जी संजीव भाई, माननीय मंत्री जी मेरे गुरु हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं, जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, क्योंकि लंबा क्षेत्र है, पूरे उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, तो क्षेत्र में समय में नहीं मिल पाता, तो उस रेस को उन्होंने मुझे क्षेत्र में छोड़ा है ताकि मैं उनका चेहरा बनकर क्षेत्र के में सुख दुख में सबके साथ लगा रहूं और माननीय मंत्री जी के कार्य को आगे बढ़ाऊं। जो माननीय मंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी है, मैं उसे देश को मिलूँ। अभी तक जो आपको जिम्मेदारी दी, उसके बाद आपने कुछ ऐसा काम किया है जो गाँव वासियों को लगे कि हाँ अभी तक कुछ काम किया है? इससे पहले मैं जिला महामंत्री था किसान मोर्चे का, किसानों के प्रति हमेशा धरने पर बैठना इत्यादि जब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी तब मैं करता था। उसके बाद फिर जब गवर्नमेंट हमारी आ गई, अभी जैसे 6000 वाला किसानों का वो हुआ है, उसमें मैंने पूर्ण भूमिका निभाई है और किसानों की सुख दुख में मैं उनका साथ खड़ा रहता हूँ। अपने गाँव वालों, युवा नेता हैं, गाँव के विकास के लिए हरदम खड़े रहेंगे। संजीव भाई का नाम है, गाँव सिद्धिपुर से, नोएडा से पवन लंबरदार भाई।